हेलो गाइस, ग्लोबल इंग्लिश पर आप सभी का वाम वेलकम है। आज हम आप सबके लिए लेकर आ गए हैं रेन एंड मार्टिन का एक्सरसाइज नंबर, रेन एंड मार्टिन बुक की एक्सरसाइज नंबर 5। तो अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक करिए कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखिए एक्सरसाइज नंबर 6 में हमें क्या करना है। देखिए एक्सरसाइज नंबर 5, देखिए आइए पढ़ते हैं इंस्ट्रक्शन को। फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी बनाइए, क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाइए, फॉर्म करिए, बनाइए किससे, फ्रॉम किससे, फ्रॉम द फॉलोइंग निम्नलिखित एडजेक्टिव से, जो लिखे गए नीचे लिखे गए एडजेक्टिव हैं उन एडजेक्टिव का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। ओके, जो आने वाले वर्ड होंगे वो एडजेक्टिव होंगे, एडजेक्टिव से हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फॉर्म करना है। ओके, तो विदाउट टेकिंग अ मिनट लेट्स गो टू फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वर्ड। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड, देखिए देखते चलिए आप लोग। क्या है पहला वर्ड, लॉन्ग, क्या है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है लॉन्ग। तो आप लॉन्ग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना होगा, बनाना है, क्या होगा ये लॉन्ग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, लेंथ, LENGTH, लेंथ होगा लॉन्ग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेंथ होगा। ओके, दूसरा कौन सा है, यंग, यंग भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, तो इसका क्या होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन यंग का, आपने सुना होगा वर्ड यूथ ना, यूथ होता है पार्टियों में भी यूथ, जैसे यूथ कांग्रेस है, यूथ कांग्रेस, ओके बहुत सारी होती हैं तो, और पार्टियों में भी देखते हैं क्या है। तीसरा वर्ड हमारा अम्बल, अम्बल का क्या होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ह्यूमिलिटी, क्या ह्यूमिलिटी, विनम्र होता है ना, विनम्रता होता है ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी, हम्बल का ह्यूमिलिटी। ओके, तो आइए चलते हैं अगले वर्ड की तरफ, हमारा हम्बल हो गया। आइए देखते हैं कौन चौथा वर्ड, डिसेंट, डिसेंट भी हमारा एडजेक्टिव है ना, डिसेंस, डिसेंट का एडजेक्टिव का वर्ड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, इसका क्या बनाना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो क्या होगा इसका, इसका होगा डिसेंस का डिसेंसी, डिसेंसी, डिसेंट होता नहीं गुड लुकिंग, यू आर, ये कहा जाता है यू आर लुकिंग डिसेंट एंड हैंडसम। ओके, तब देखिए क्रूएल, वर्ड क्रूएल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, नाउन ही बनाना है क्रूएल का, क्रूएलिटी, निर्दयता, क्रूएलिटी। फिर अगला क्या है, बिटर, बिटर मतलब होता है वन हु फील बिटर, मतलब हार्श एक्सपीरियंस, यानी कोई कड़वाहट जो होती है लाइफ में, इसका क्या होगा बिटर का, बिटरनेस, क्या होगा बिटरनेस, तो बिटर ही लिख दीजिए इसमें SNES को आपको ऐड कर देना है, बिटरनेस। ओके, स्ट्रांग भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, स्ट्रांग का आपका क्या होगा, स्ट्रेंथ होगा ना, मजबूत, मजबूती होती है क्या है, स्ट्रेंग, स्ट्रेंथ। ओके, तो ये हो गया डिसेंट का डिसेंसी, क्रूएल का क्रूएलिटी, बिटर का बिटरनेस, स्ट्रांग का स्ट्रेंथ। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट वर्ड। तो आप देखिए ट्रू, वर्ड ट्रू का टू एडजेक्टिव है यहाँ, तो एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव के लिए आप नाउन क्या लगेंगे, क्या ट्रू का ट्रूथ, ट्रू का क्या होगा ट्रूथ होगा ना, ट्रू का ट्रूथ, ट्रू, ट्रू का ट्रूथ। शॉर्ट भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, तो क्या होगा शार्टनेस, शार्टनेस,
ओके। और फिर देखिए क्या है हमारा प्रूडेंट, प्रूडेंट का क्या होगा आपका नाउन फॉर्म, क्या होगा प्रूडेंस ना, प्रूडेंस, प्रूडेंस ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। डार्क देखिए, डार्क का क्या होगा अंधकार का क्या होगा डार्कनेस, क्या होगा डार्क का डार्क नेस अंधकार का अंधकारमय। ओके तो आइए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अगला वर्ड हमारा क्या है डीप, डीप क्या होता है गहराई, क्या होता है डेप्थ, डेप्थ होगा ना डीप तो डेप्थ ही होगा। सब ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं, डी ई पी टी एच डेप्थ हो गया नाउन है डेप्थ एब्स्ट्रैक्ट, और डीप एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ओके आइए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अपने क्या है वाइड, वर्ड वाइड, वाइड मतलब होता है लंबा चौड़ा होते नहीं, वाइड क्या होगा विड्थ होता है ना, विड्थ डब्ल्यू आई डी टी एच विड्थ। और क्या है वाइज, वाइज मतलब बुद्धिमान, तो क्या होता है इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन विजडम, विजडम तो आपने देखा भी होगा इसके पहले वाली क्लास में भी आप विजडम को देख चुके हैं, वर्ड विजडम को मतलब बुद्धिमत्ता। फिर गुड का जानते ही हैं, गुड का क्या होता है अच्छा, तो क्या होगा गुडनेस का होगा, गुड का गुडनेस। ओके हाँ वैकेंट का देखिए, जिसे देखते हैं आप वैकेंट पोस्ट यानी जो सीटें खाली हैं, तो ये वैकेंट एडजेक्टिव का काम मतलब वर्ड एडजेक्टिव है वैकेंट, तो इसके लिए आपको नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फॉर्म करना है इसी वर्ड से, तो क्या होगा इसका बताइए, बताया ना कि आप कहते हैं वैकेंट पोस्ट, तो क्या वैकेंसी कहते हैं, कितनी वैकेंसी खाली है कहते नहीं है, वैकेंसी कितनी वैकेंसी आई हुई है जैसे ना। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, स्वीट, अगला वर्ड कौन सा हमारा है स्वीट, स्वीट वर्ड स्वीट का एडजेक्टिव है, इसका आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, तो क्या होगा इसका स्वीटनेस, स्वीट स्वीटनेस होगा इसका मधुरता। ह्यूमन, ह्यूमन का मतलब हो मानो, इसका आपको नाउन बनाएंगे क्या होगा, क्या होगा बताइए, आप लोग सोच लीजिए, आप लोग एक बार अपने दिमाग में सोच लिया करिए, अगर ब्रॉड का भी सोच लीजिए फ्री का भी सोच लीजिए, तो क्या होगा ह्यूमन का ह्यूमैनिटी होता है ना मानवता, ह्यूमैनिटी ना कहते हैं वी सर्व फॉर ह्यूमैनिटी, ये हम सेवा करते हैं मानवता की। और देखिए ब्रॉड क्या है, ब्रॉड का चौड़ा होता है ना ब्रॉड, तो क्या होगा इसका ब्रॉड का ब्रिथ होता है ना इसका ब्रिथ, फिर इसको देख लीजिएगा बी आर ई ए डी टी एच ने ब्रिथ होगा इसका। ओके अब देखिए वर्ड क्या है फ्री, फ्री भी एडजेक्टिव है, इसका तो पता ही है आपको भाई, फ्रीडम फाइटर आपने सुना ही होगा, जो जिन्होंने अपने देश को फ्री करवाया अंग्रेजों से, अब हमको फ्रीडम मिल गई, देख लीजिए। ओके आगे बढ़ते हैं लोग, ये क्या वर्ड अब है प्राउड, प्राउड का क्या बताना है आपको, प्राउड को क्या बताना है नाउन फॉर्म, ब्रेव का नाउन फॉर्म, नावेल का नाउन फॉर्म, क्विक का नाउन फॉर्म, ये सब है क्या, ये सब हमारे क्या हैं बताइए, ये सब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं, इनसे हमको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, तो प्राउड क्या होगा प्राइड, गर्व होता है ना पी आर आई डी ई, प्राइड हो जाए प्राउड का। ब्रेव का क्या होगा ब्रेविटी हो जाएगा, सॉरी ब्रेवरी हो जाएगा, ब्रेवरी, ब्रे वेरी
बहादुरी, नावल क्या हो जाएगा, नावेल्टी, नावल का मतलब हो नया, और नावेल्टी का मतलब जो होता है नया ही, नावेल्टी क्विक। नावल का एक फॉर्म भी होता है, ये नावल है, इस नावल से हाँ, अगर लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो नावेल्टी इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ नावल। ओके, नावेल्टी ये है कि नावेल्टी इज द फॉर्म ऑफ नावल बिटवीन नावल एंड शॉर्ट स्टोरी, यानी शॉर्ट स्टोरी और नावल के जो बीच की एक जो कहानी लिखी जाती है उसे नावेल्टी कहा जाता है। ओके, तो क्या है नेक्स्ट वर्ड, क्विक ना, क्विक का क्या होगा, क्विकनेस, क्विक क्या होगा, क्विकनेस, QUICKNESS। ओके, आइए आइए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम लोग। नेक्स्ट वर्ड क्या हमारा, देखिए क्या अगला जो हमारे पास चार वर्ड हैं, हाई पुअर जस्ट वेन। ओके, चारों वर्ड एडजेक्टिव हैं, इन चारों वर्ड से हमको क्या बनाना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देख लीजिए, हाई का क्या होगा, ऊंचा होता है, इसका होता क्या होगा, हाइट, ऊंचाई, हाइट होगा। पुअर क्या होता है, गरीबी, इससे क्या होता है, पुअरनेस, पुअरनेस। ओके, और क्या होगा, जस्ट, जस्ट क्या क्या होता है, न्याय ना, जस्टिस, जस्टिस होगा जस्ट का। वैन का क्या होगा, वैनिटी ना, वैनिटी, वैनिटी या विशेष आपने देखा ही होगा, वैनिटी उतने तो घमंड होता है वैन का। आइए चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं हमारा क्या है नेक्स्ट पॉइंट। अब अभी एक बचा है अपने पास, सेन बचा है ना, सेन का, सेन का क्या होता है, साधुवाद जो कहते हैं, तो साधुवाद का के लिए सेंट ना होगा, सेनिटी, जिसके अंदर ह्यूमन को सर्व करने की क्वालिटी हो, तो सैनिटी, सेन का सैनिटी। आइए चलते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, देखिए आइए, इग्नोरेंट क्या है, इग्नोरेंट इज एडजेक्टिव मेक इट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म। तो क्या होगा इग्नोरेंट का, इग्नोरेंस, इग्नो क्या होगा, इग्नोरेंस, अनभिज्ञता, इग्नोरेंस। ओके, आइए चलते हैं लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए अपना क्या है, हमारा जो है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए इसको फॉर्म देख लीजिए, यहाँ यहाँ क्या फॉर्म करना है, फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फॉर्म करिए, बनाइए किससे, फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ब्स, ना जो निम्नलिखित दिए हुए वर्ब हैं उनसे आपको इन वर्ब का एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म करना है। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को कि जो आगे वाली एक्सरसाइज है उसमें हम लोग दिए हुए वर्ब, जो वर्ड होंगे वर्ब होंगे, वर्ब से हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। इसके पहले हमने एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया, अब हम वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे। ओके, तो विदाउट डिले आइए देखते हैं हम लोग अपने वर्ड को, कौन कौन से वर्ड हैं, देखिए पहला वर्ड हमारा क्या है, लाफ, क्या है ये, वर्ब है ना, बेस फॉर्म है, लाफ का आपको बनाना क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अबे भी वर्ब है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लाइव भी, लिव भी वर्ब है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक्सपेक्ट भी वर्ब है इसका भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक्सेल भी वर्ब है इसका भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तो देखिए पहले लाफ का, लाफ क्या होगा, लाफ्टर, आपने देखा होगा लाफ्टर चैनल होते हैं, जैसे कपिल शर्मा शो है ना, लाफ्टर चैनल होता, तो ये लाफ का लाफ्टर ना, अबे के बाद आज्ञा करना क्या होता है, अबेडियंस, ये देखिए लिखा था योर अबेडियंस, लेटर में लिखा जाता है योर अबेडियंस सन ना। देखिए लाइव क्या होगा, देखिए लाइव का, लाइफ क्या होता है, नाउन फॉर्म लाइफ, जीवन ना, लाइफ। एक्सपेक्ट का क्या होता है, उम्मीद का क्या होता है, क्या बताइए, सोच लीजिए आप लोग क्या होगा इसका,
लाइव लाइफ का लाइफ हो गया, एक्सपेक्ट का क्या होगा और एक्सेल का क्या होगा, थोड़ा इसके लिए आप लोग सोच लीजिए इन दोनों का क्या होगा। हाँ इसके थोड़ा सा आप लोग सोच लीजिए, हम बताते हैं इसके बारे में। तो क्या होगा इसका एक्सपेक्ट का, एक्सपेक्ट क्या होगा इसका, देखिए दो वर्ड बनेगा, एक कौन होगा एक्सपेक्टेशन, ग्रेट एक्सपेक्टेशन आपने पढ़ा होगा, कार्ल जिगेंस का नावल है ना ग्रेट एक्सपेक्टेशन, जो 1861 में लिखा गया है, एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन। और दूसरे का हो क्या होगा एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्ट टेन सी। ओके ये दोनों वर्ड हो गएंगे एक्सपेक्ट वर्ड के, लाइफ का आपने देखा ही था लाइफ का लाइफ होगा है ना। और दूसरा वर्ड क्या होगा एक्सेलेंस का, एक्सेल का क्या होगा वर्ड, एक्सेल का एक्सेलेंसी होगा। देखिए थोड़ा इसको आगे बढ़ा लेते हैं, क्या होगा एक्सेल का वर्ड, एक्सेल है इसका नाउन फॉर्म क्या होगा, जबकि ये वर्ब है, क्या होगा इसका एक्सेलेंस ना, एक्सेलेंस होता है एक्सेलेंस। एक्सेलेंस EXCE क्या हुआ, डबल LE NCE एक्सेलेंस। ओके और क्या वर्ब, वर्ड जो वर्ब नाउन है सॉरी जो वर्ब नो है, नो का क्या होगा, क्या होगा नॉलेज ज्ञान, NOW KNOWLED GE। ओके नॉलेज स्टील। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या है स्टील, ये भी वर्ब है, इसका क्या होगा नाउन फॉर्म, वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या होगा स्टील था, स्टील थो। ओके फिर नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, क्या है बिलीव यानी विश्वास, इस वर्ब का वर्ब बिलीव का नाउन फॉर्म क्या होगा बिलीफ, क्या होगा बिलीफ, बिलीफ होगा। ओके आइए चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। देखो जी सर्व, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है सर्व, सेवा करना, क्या है इसके लिए सर्विस, इसका नाउन फॉर्म क्या होगा सर्विस। ओके और हमारे पास क्या है नेक्स्ट वर्ड जो वर्ब है, ये भी क्या हैट, हैट क्या होगा, हैट होगा हैट्रेड, घड़ा हैट्रेड। ओके हैट का हैट्रेड होगा, फिर क्या होगा हमारे पास और जो है नेक्स्ट वर्ड कौन सा है जो वर्ब है प्लीज, प्लीज भी वर्ब है ध्यान रखिएगा, इसका क्या होगा नाउन फॉर्म जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, प्लेजर आनंद, SURE ना प्लेजर। ओके आइए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, देखिए अब क्या वर्ड है वर्ड एक्ट जो वर्ब है ना, एक्ट वर्ब, एक्ट वर्ड वर्ब है, इसका नाउन फॉर्म क्या होगा एक्शन, एक्शन हो गया। स्टार्व क्या है, ये भी वर्ब है, स्टार्व का नाउन फॉर्म क्या होगा जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, स्टार्वेशन यानी भूख। ओके फिर और नेक्स्ट वर्ड क्या है एक्यूपाई, एक्यूपाई एक्यूपाई का जो है आप हमको देखना क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, ये क्या है ये वर्ब है, तो एक्यूपाई का आप बताइए क्या होगा एक्यूपेंसी, और एक्यूपेशन दोनों होता है, क्या है एक्यूपेंसी और एक्यूपेशन, एक्यूपेंसी, इसको दोनों वर्ड लिख लीजिए एक्यूपेंसी एंड एक्यूपेशन, एक्यूपेशन भी लिख लीजिए OCCUPATION। तो इसका इसके दो नाउन बन सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ओके तो आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट।
वर्ड पर ऑक्यूपाई तक हो गया है। अब देखते हैं हमारा वर्ड चूज, चूज वर्ड जो वर्ब है इसका नाउन फॉर्म क्या होगा, चॉइस होगा ना, पसंद होता है तो व्हाट इज योर चॉइस, या फिर कहते हैं चॉइस इज वेरी पर्सनल थिंग। मूव, देखिए मूव गति का क्या होता है, मूवमेंट, मूवमेंट गति करना का होता है मूवमेंट, मूवमेंट ओके। देखिए फिर नेक्स्ट वर्ड क्या है, जो कैंसिल, कैंसिल जो भी वर्ब है क्या हुआ, कैंसिलेशन क्या हुआ, कैंसिलमेंट, कैंसिलमेंट, कैंसिलमेंट ओके। ये हो गया हमारा। और नेक्स्ट वर्ड क्या रहा है हमारा, सीज करना, जब्त कर लेना ना, इसका क्या होगा, सीजर। इसकी स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है एग्जामिनर, और इसमें आपको ई ई के पहले आई लगा के देगा, तो इसका ध्यान रखिएगा एस ई आई जेड यू आर ई, सीजर करना ओके, किसी जब्त कर लेना। तो आइए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं हम लोग, टाइम ना किल करते हुए, सीजर तो हो गया हमारा। नेक्स्ट वर्ड क्या है, फ्लैटर। देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट जो फॉरवर्ड करने वाले हैं, फ्लैटर भी वर्ब है, डिपार्ट भी वर्ब है, परसीवर भी वर्ब है, डिफेंड वर्ब है। तो देखिए फ्लैटर क्या होगा, चापलूसी का, चापलूसी करने का क्या होगा, फ्लैटरी, क्या होगा, फ्लैटरी, डबल टी ई आर वाई ना, फ्लैटरी। डिपार्ट का क्या होगा, मतलब चले जाना का, डिपार्चर। जैसे आप देखेंगे कि ट्रेन के जो टिकट लेते हैं हम लोग उस पर लिखा था डिपार्चर टाइम ना, छूटने का समय, जाने का समय, डिपार्चर। जैसा क्या होगा, परसीवर, परसीवर का क्या होगा, परसीवर का परसीवरेंस होता है ना, परसीवरेंस, परसीवरेंस, परसी, इसे देखिए इसकी स्पेलिंग पूछता है, इसकी भी स्पेलिंग पूछता है, आर के बाद ध्यान रखिए, आर के बाद ए होता है, ए एन सी ई, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, आर स्पेलिंग में पी ई आर एस ई वी ई आर ए एन सी ई। जब परसीवर होगा तो वी होगा, करेक्ट है, लेकिन जब परसीवरेंस होगा नाउन बनेगा तो इसमें ए लगेगा आर के बाद यहाँ ओके। तो आइए चलते हम लोग नेक्स्ट वर्ड पर, नेक्स्ट वर्ड क्या है, डिफेंड। परसीवर तक हो गया था हमारा, नेक्स्ट वर्ड क्या है, डिफेंड। डिफेंड देखिए किसी डिफेंड करना, रक्षात्मक होना, तो क्या होगा डिफेंड का, डिफेंस, रक्षा मंत्रालय है ना हमारा, डिफेंस मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री, तो डिफेंड। और जो हमारे जो आर्मी के मैन हैं, जो हमारी आर्मी है, इंडियन आर्मी, वो क्या है, सोल्जर हैं, और डिफेंस जो है डिफेंड करते हैं देश को, डिफेंस, डिफेंस ओके। थिंक क्या होगा, वर्ड थिंक भी वर्ब है, वर्ब है, अब इसका नाउन फॉर्म क्या होगा, थॉट, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, क्या होगा, थॉट ओके। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, जो नाउन है, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट का आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, प्रोटेक्ट का, प्रोटेक्शन होता है ना, सुरक्षा, इसका भी प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन होगा ओके। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास, एडवाइस, एडवाइस का देख लीजिए, हाँ इस एक वो जो है वर्ड पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, इस वाले वर्ड पर, किस पर, इस पर जो एडवाइस है, एडवाइस का, क्योंकि इसमें बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, एडवाइस यहाँ एस ई वाला जो है ये क्या है हमारा, ये वर्ब है ओके। इसमें क्योंकि कहीं पूछ लेता है ये, देखिए एडवाइस होगा, इसमें सी ई होगा, एड वाइस वी आई सी ई, जब एडवाइस ई होगा तो ए डी वाई एस ई होगा तो वर्ब होगा, ए डी वी आई सी ई होगा तुम्हारा नाउन होगा ओके, और भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर हम लोग, क्या है हमारा नेक्स्ट वर्ड, पनिश डाई और सक्सीड, तीन वर्ड हमारे पास हैं, पनिश है ये भी वर्ब है, डाई है ये भी वर्ब है, सक्सीड है ये भी वर्ब है। तो आप देख लीजिए क्या होगा, पनिश का दंड देने का क्या होता है, पनिशमेंट, पनिशमेंट क्या होगा, पनिशमेंट, पनिशमेंट हो गया आपका। डाई का भी देख दीजिए, आप पता ही है, ईजी है ये, डेथ होगा है ना, डाई में मर जाना, और मौत का होता है डेथ। सक्सीड देखता ही, इसका भी आप बड़ा इजी है, क्या होगा इसका, सक्सेस, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, किसने लिखा है बताइए, एक राइटर ने
लिखा है सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। कौन है राइटर? एमिली डिकिंसन है, अमेरिका राइटर है, लेडी राइटर, जिसका नाम क्या है, जो आपके एल टी ग्रेड में राइटर है भी और पोएम भी है, सक्सेस इज काउंटेस्ट स्वीटेस्ट। ओके आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। बस नेक्स्ट वर्ड क्या है देखिए, चार वर्ड फिर देखते हैं नेक्स्ट फोर वर्ड। फ्री भी वर्ब है, सी भी वर्ब है, जज भी वर्ब है, परसू भी वर्ब है। अब देखिएगा परसू की भी जो है स्पेलिंग पूछता है PURSUE। ओके यहाँ ई हटा के दे देता है, वहाँ ई हटा के देगा, दे सकता है। देखिए फ्री का पता है आप लोगों, बड़ा इजी ये भी है, फ्री का क्या होगा बताइए, फ्रीडम ना, फ्री का फ्रीडम, फ्री का क्या होगा, फ्रीडम एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फ्री का फ्रीडम। अब देखिए सी का क्या होता है, वर्ड सी का नाउन फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, साइट, क्या होगा साइट, SIGHT साइट। ओके जज का क्या होगा, जज भाई निर्णय देने वाला, जजमेंट निर्णय, JUDGE और इसके MENT कर दीजिए। ओके एक दिन आते हैं, अभी प्रैक्टिस करा लें आप लोगों को, तो बताते हैं कि नाउन को पहचानना, जब हम क्लास करेंगे पढ़ाएंगे नाउन की, तो वो बताएंगे आपको कि नाउन को कैसे पहचानना है ना ट्रिक से, जैसे मेंट है, इज्म है, नेस है, इज्म नेस मेंट जन जो लास्ट में होते हैं, तो आपको नाउन फॉर्म होते हैं वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए परसू का क्या होता है बताइए, इसका तो पता हो गया आपका, जज का जजमेंट आपको पता हो गया ना, परसू का क्या होगा, परसू का बताइए, परसू क्या होगा भाई, जज का जजमेंट हो गया, सी का साइट हो गया, फ्री का फ्रीडम हो गया, परसू क्या होगा, परशूट क्या होता है, परशूट पर शूट होता है ना, SUIT परशूट, ध्यान रखिएगा। ओके आइए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वर्ड की आगे तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास तीन और नेक्स्ट वर्ड है, उसके बाद फिर दूसरी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, क्या है एक्सरसाइज का दूसरी जो है पॉइंट हमारे पास होगा। परसू तक हो गया था, अब वर्ड रिलीफ है जो वर्ब है, कन्वर्स है जो भी वर्ब है, डिस्कवर है खोज करना ये भी वर्ब है, कन्वर्स बातचीत करना, रिलीव राहत। ओके ये रिलीफ होता है, रिलीफ पैकेज होता है, तो बताइए रिलीफ क्या होगा, रिलीफ का सो रिलीफ होता है, रिलीफ फंड बना होता है जब कहीं जब फ्लड आती है यानी बाढ़ आती है कहीं, तो उसके लिए सरकार क्या बनाती है, रिलीफ फंड, तो उसका क्या होगा, रिलीफ कर लीजिए, रिलीफ का RELIEF रिलीफ हो गया। कन्वर्स क्या होगा, बातचीत करने का क्या होगा, कन्वर्सेशन ना, कन्वर्सेशन होता है, कन्वर्सेशन बातचीत होती है, कन्वर्सेशन होता है। डिस्कवर क्या होता है, डिस्कवरी होती है, खोज ना, ना सही तो डिस्कवरी होगी ना, हाँ हो सही ही होगी, डिस्कवरी, डिस्कवरी होगी ना, डिस्कवरी चैनल भी आता है। ओके तो आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं अपना, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, क्या करना है हमको, आइए और ये लास्ट पॉइंट भी होगा इसके बाद, हाँ देख लीजिए हम लोग देखते हैं। फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाइए, यहाँ भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, किससे, फ्रॉम द फॉलोइंग कॉमन नाउन से, दिए गए निम्नलिखित कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फॉर्म करिए बनाइए। इसके पहले हम लोग एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया, उसके बाद वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया, अब कॉमन नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करेंगे। ओके आइए ये दोनों कहने का मतलब दोनों नाउन होगा, ये कॉमन नाउन होगा, कॉमन नाउन से हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म करना है। आइए देखते हैं क्या है हमारे पास, पहला वर्ड हमारे पास क्या है, किंग, किंग देख ली। अब दो फायदा होगा इसमें आपको, ये पता चल जाएगा किंग जो है कॉमन नाउन है, मैन भी कॉमन नाउन है, देखिए रखिए थीप भी कॉमन नाउन है, वोमेन भी कॉमन नाउन है, इनसे हमें क्या बनाना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है ना, ये तो करना है कि देखिए आइए किंग क्या क्या होगा, किंग का भाई किंगडम होगा, किंगडम होगा किंग का, ये राजा होता है, ये राजा का साम्राज्य से कहते हैं किंगडम। मैन तो क्या होता है, आदमी होता है, कॉमन नाउन है, इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, मैनहुड, मैनहुड है ना। और थीफ भी कॉमन नाउन है भाई, चोर, तो क्या होगा इसका, थेफ्ट, THEFT थेफ्ट हो जाएगा। ओके
वुमेन भी कॉमन नाउन है, तो वुमेन के लिए क्या होगा बताइए? वुमन हुड होगा ना, जैसे मैन हुड उसे वुमन हुड, देखिए वुमन हुड हो जाएगा, वुमन हुड हो जाएगा इसका भी ना, ये हो गया हमारा। आइए चलते हैं लोग नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड क्या है देखिए हमारे पास, नेक्स्ट थर्ड जो तीन वर्ड है, बैंकरप्सी, दिवालियापन, इन्फेंट, नवजात ओनर और मालिक। तीनों क्या हैं अपने, क्या है ये तीनों वर्ड जो हैं आपके कॉमन नाउन हैं। आप कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है हमको। बैंक आपको देख लिए, बैंकरप्सी होता है, बैंकरप्सी होता है, बैंकरप्सी PTCY। देखिए इसको भी स्पेलिंग में पूछता है बैंकरप्सी का भी एग्जामिनर। ओके, तो RUPTCY रखना, यहाँ रखिएगा। इन्फेंट क्या होगा तो बताइए, इन्फेंसी होगा ना, इन्फेंट का इन्फेंसी, इन्फेंसी जब एकदम बच्चा छोटा होता है, इन्फेंट होता है, तो उसका टाइम क्या कहते हैं, उस समय के वक्त को इन्फेंसी कहा जाता है ना, चाइल्डहुड से पहले का टाइम। देखिए जब माँ की गोद में बच्चा होता है, ये क्या है ओनर का, भाई मालिक का क्या होता है, मालिकाना हक जिसको कहते हैं, ओनर है वो, उसे ओनरशिप ना, ओनरशिप, ओनरशिप देख लीजिए आपका। तो ये ओनरशिप एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन्फेंसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और बैंकरप्सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बैंकरप्ट कॉमन नाउन, इन्फेंट कॉमन नाउन, ओनर कॉमन नाउन। ओके, आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है हमारे पास। तो हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है अगले, जो कॉमन नाउन है, रोग क्या होता है, जो कहते हैं रोग और नेव, दुष्ट घुमंतु जिसको कहते हैं। हाँ, रोग और नेव कहाँ मिलेगा, पिकारस का नावेल जो होता है, जो पिकारस का नावेल होता है उसकी डिफिनेशन ही है। पिकारस का मतलब होता वही है, वन हु गो हेयर एंड देयर एंड हिज वर्क इज लाइक रोग और नेव। ओके, पिकारस का नावेल में रोग और नेव का कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको। रिग्रेट क्या है, पश्चाताप करना, ऑथर राइटर मदर माँ। तो देख लीजिए कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, बताइए रोग का, रोग का क्या होगा, रोगरी, रोग का रोगरी, GUERY, रोगरी, रोगरी होगा रोग का। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा, रेजेंट, सॉरी रेजेंट है, रेजेंट है, रेजेंट वो मैं तो समझ लिया, इसके बारे में जो बताया उसका मीनिंग, रेजेंट होता है ना बहुत जो है हार्श, रेजेंट होता है हार्श, रेजेंट रेजेंसी होता है, रेजेंस क्या होगा, रेजेंसी, मैं रेगरेट समझ रहा था उसको, नहीं पढ़ा हमने, तो रेग क्या होगा, रेजेंसी रेजेंट होता है। ओके, आथर रेजेंट नाम की एक जो है दवा भी आती है, किसके लिए, जो एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए होती है, जो खेती में या किसी जो किसी पौधे में जो वो लगते हैं ना, कहते हैं जो वाम लगते हैं, कैटरपिलर लग जाते हैं, तो इस दवा को डालकर तो ख़त्म किया जाता है। इस दवा का छिड़काव भी होता है खेती में बहुत सारी फसलों पर। ओके, देखिए आथर क्या होगा, आथरशिप होता है, आथर का, इसका आथरशिप ना, आथरशिप होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन आथर का। देखो मदर का मदरहुड होगा ना, क्या होगा, देखिए मदर का भाई माँ का, ममता का मदरहुड, ममता जिसको कहते हैं, माँ हुई ममता हुई, मदरहुड, मदरहुड। ओके, आइए लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। कौन सा मदर तक हमारा हो गया था, एजेंट होता नहीं, कहते हैं बीमा एजेंट है ना, जो बिचौलिया होता है, दलाल जिसको कहते हैं लोग, कि हीरो पता ही है हीरो के बारे में आप, वन हु इज़ अ लीड रोल, वन हु प्ले लीड रोल इन एनी प्ले आर फिल्म, बेगर भिखारी कावर्ड कायर ना। देखिए देखिए ये नाउन है, ध्यान रखिए कावर्ड, यहाँ एक बार फिर ध्यान लीजिए आप, इस पर मैंने एक जो है वीडियो डाला भी है ग्रुप में, कावर्ड और कावर्डली में क्या डिफरेंस है, लेकिन यहाँ रखिए ये कॉमन नाउन है कावर्ड, एडजेक्टिव नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसके लिए एडजेक्टिव क्या आता है, कावर्डली आता है, कावर्डली जो है इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है, कभी कावर्ड ना रखिएगा, कावर्ड कावर्डली। ओके, इसको ध्यान रखिए कि कावर्डली एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है, और ये कॉमन नाउन है कावर्ड। ओके, तो देख लीजिए अब आप एजेंट का क्या होगा, एजेंट का
एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? एजेंसी, एजेंट कितने कोई एजेंसी किसी ना किसी खास करके किसी, देखिए लोग गाड़ी की एजेंसी बता रहती है कि गाड़ी की एजेंसी है ना, ये फोर व्हीलर की एजेंसी है। देखिए हीरो का क्या होता है, हीरोइज़म होता है ना, हीरोइज़म, हीरो हीरोइज़म, हीरोइज़म, ओके। बैगर का क्या होता है देख लीजिए, भिखारी का क्या होता है, बेगरी होता है, बेगरी, बेगरी, ओके। अब कावर्ड भी कॉमन नाउन है, इसके बताइए इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, क्या होता है सर? वो तो मुझे बताया था कावर्डली, वो तो इसका एडजेक्टिव था, इसका क्या होगा, कावर्डाइज। तो कहाँ ये लाइन मिलेगी और बताइए, बड़ी फेमस लाइन है विलियम शेक्सपियर की, किसने कहा है, कावर्डाइज डाई मैनी टाइम बिफोर देयर डेथ, बट विलियम क्या है, कावर्ड, कावर्ड डाई मैनी टाइम बिफोर देयर डेथ, बट वन हु इज ब्रेव डाई बट वंस, यानी जो बहादुर होता है एक बार ही मरता है और जो कायर होता है बार बार मरता है। कौन कहा है इसको, इस वर्ड को, जूलियस सीजर ने खुद कहा है, कहाँ कहा है, विलियम शेक्सपियर के फेमस प्ले जूलियस एंड जूलियस सीजर में, जो आया था 1599 में, 1599 में, ओके। कावर्ड डाइज मेनी टाइम बिफोर देयर डेथ बट वन हु हैज ब्रेविटी डाई बट वंस, ब्रेव डाई बट वंस, ओके। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, प्रीस्ट, देखिए प्रीस्ट वाला क्या है, पादरी, देख लीजिए इसका पादरी होता है बॉय लड़का, बॉन्ड एक जो बॉन्ड होता है दो लोगों के समझौता, जो ही किसी बता बॉन्ड के तहत समझौता होता है, पीरियड जो है समुद्री डाकू होते हैं, देखिए क्या है प्रीस्ट क्या होता है इसका, प्रीस्ट कॉमन नाउन है, इसका स्टेटमेंट क्या होगा, प्रीस्ट हुड, प्रीस्ट हुड, ओके, प्रीस्ट हुड। बॉय क्या होता है, बॉय हुड होता है, बॉय का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, बॉय हुड। बॉन्ड का क्या होगा, बॉन्ड भी कॉमन नाउन है, इसका क्या होगा, बॉन्डेज, कोई बॉन्डेज होता है ना भाई, बॉन्ड के तहत बॉन्डेज होता है कि आपको ये करना है, एक बॉन्ड भरवाती है कभी जो है, ये जो है कंपनियां आपसे कि आप कोई बॉन्डेज होगा, आप ये कर सकते हैं ये नहीं कर सकते, बॉन्डेज है। पीरेट जो है समुद्री डाकू होते हैं, इनके लिए क्या होगा कॉमन नाउन, पीरेसी, क्या होगा, पी रे सी, तो पीरेसी आपका हो जाएगा। तो आइए लोड नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, हाँ पीरेट का जो है आपको समुद्र, चलिए आपकी बताते हैं फिर ज़्यादा लिटरेचर की बात हो जाएगी, नहीं ठीक है आगे बढ़ते हैं लोग। आइए देखते पीरेट हो गया था हमारा, पिलग्रिम, पिलग्रिम प्रोग्रेस जो है जान बनियान की फेमस जो है एलिगरी, एलिगरिकल पोएम है। आइए देखते हैं पिलग्रिम कॉमन नाउन है, पता है क्या है, फ्रेंड भी कॉमन नाउन है, कैप्शन भी कॉमन नाउन है, रास्कल भी कॉमन नाउन है, ओके। तो आइए पिलग्रिम कौन होते हैं, वो श्रद्धालु, वन हु कम्स इन, कम्स ऑन संगम ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा एंड यमुना एंड टेक बाथ इज कॉल्ड पिलग्रिम, कहने का मतलब जो श्रद्धालु होते हैं उन्हीं के लिए पिलग्रिम का वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो देखिए तो पिलग्रिम के लिए आपका ऑप्शन नाम क्या होगा, पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज आ रहे हैं, पिलग्रिमेज आपका क्या हो जाएगा, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा पिलग्रिमेज। नेक्स्ट वर्ड क्या है, फ्रेंड, फ्रेंडशिप होता ही है दोस्ती के लिए, फ्रेंडशिप कहते हैं हम लोग ना, इसे कहते हैं विल यू फ्रेंड, फ्रेंडशिप में, फ्रेंडशिप एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ये कैप्शन है, सॉरी हाँ कैप्शन है, ये कैप्टन होना चाहिए था, चलिए कैप्शन, इसको इस वर्ड को रहने देते हैं, अभी देखते हैं रास्कल, देखिए रास्कल, रास्कल क्या होगा, रास्कल का कॉमन नाउन रास्कालिटी, रास्कल भी होता है धूर्त ना, रास्कालिटी, रास्कालिटी, तो देख लीजिए तो इसको कैप्टन होना चाहिए था, यहाँ गलत हो गया है, तो सी ए क्या होगा, सी ए पी टी ए यहाँ आई एन, कैप्टन, कैप्टन का क्या होगा आपका नाउन फॉर्म क्या होगा, कैप्टेंसी ना, कैप्टेंसी के कैप्टन होता है टीम का, क्रिकेट टीम का, देखिए कैप्टन
अभी कोहली साहब नहीं रहे, रोहित शर्मा है ना कैप्टन सी, वन हु इज कैप्टन, कैप्टन इज अ लीडर ऑफ टीम, ओके नॉट ओनली क्रिकेट टीम बट ऑल्सो कैप्टन इज ऑल्सो इन और आर्मी ऑल्सो। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड पर, हमारे पास देखिए नेक्स्ट और लास्ट वर्ड भी होंगे हमारे पास, ये एक आध वर्ड और होंगे। देखिए क्या है पैट्रियट, पैट्रियट क्या होता है देखिए देशभक्त, देशभक्त हमारा कॉमन नाउन है, कई देशभक्त की बात हो रही है कॉमन नाउन से, इसके लिए आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या यूज़ करना होगा देखिए पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म देशभक्ति, पैट्रियोटिज्म देशभक्ति, देशभक्त था देशभक्ति हुई, ओके। आइए चलते हैं फिर लो हम लोग, ये ए है तो लाइन आप लोग समझ लीजिए स्पेलिंग, ग्लूटन पे टू, वन हु ईट मच, वन हु ईट मच तो कौन जो बहुत खाता है तो क्या कहते हैं ग्लूटन, पे टू बहुत खाने वाला, तो क्या हुआ इसके, इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, कॉमन नाउन है इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा ग्लूटनी ना, ग्लूटनी बहुत अधिक, जी एल यू टी जी यू एल यू ग्लू, उसके बाद डबल टी ओ एन वाई, ओके। ये थे हमारे आज के, ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज, अभी बहुत जो है इजी एक्सरसाइज चल रही है रन मार्टिन की ना, अब इसके बाद हम आएंगे नई जो नई एक्सरसाइज लेके आएंगे किस पर बेस्ट होगी वो एडजेक्टिव पर, ओके। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, जुड़े रहिए हमारे साथ और आप लोग अपने जो है सजेशन भी देते रहिए कि आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए ना, किस टॉपिक पर आप चाहते हैं मटेरियल, तो हम अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे, ओके थैंक यू।